सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी के अधिकारों में कटौती करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मिलेंगे। इस बीच तबादला तैनाती के केजरीवाल सरकार के आदेश को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी, आप सरकार और नौकरशाहों के रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली सीएम के साथ मुलाकात से पहले उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से सलाह मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा दिए गए आदेश को पूरी तरह से स्पष्ट करने को कहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एलजी से मिलने उनके घर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। केजरीवाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने तबादले और तैनाती से जुड़े दिल्ली सरकार के आदेश नहीं माने तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार आदेश का पालन करने से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने सहित अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री और एलजी की यह पहली मुलाकात होगी। केजरीवाल ने एलजी बैजल को पत्र लिखकर कहा कि सेवा से जुड़े मामले मंत्रिपरिषद के पास हैं। केजरीवाल ने यह पत्र तब लिखा जब अधिकारियों ने तबादला और तैनाती के अधिकार एलजी से लेने के आप सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा जिसमें एलजी के अधिकारों में खासा कटौती की गई है। बैजल को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी मामले में एलजी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को उच्चतम न्यायालय का आदेश अक्षरश लागू कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है। दरअसल उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादले और तैनाती के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी बताया गया। बहरहाल सेवा विभाग ने इस आदेश का पालन करने से इनकार करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की 21 मई 2015 की वह अधिसूचना निरस्त नहीं की जिसके अनुसार सेवा से जुड़े मामले उपराज्यपाल के पास रखे गए हैं।